नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर देवरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। क्या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, कैसे है इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। तो एक दिन में देखें तो 0.93% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो 3.56% के नेगेटिव रिटर्न है। 1 माह का डाटा देखें तो 0.42% के नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन 6 माह का डाटा देख सकते 162% के रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर को। 1 साल का डाटा 300% के रिटर्न है 1 साल में, 5 साल में 292, और मैक्सिमम का डाटा देखें तो 292, क्योंकि यह कंपनी जो है सितंबर 2020 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, उस हिसाब से अब तक अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं कैसे अप ट्रेंड वाला है, काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है, ना कि एक डाउन ट्रेंड वाला। अगर किसी कंपनी का चार्ट पैटर्न ऐसे डाउन ट्रेंड वाला है तो उस कंपनी में अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करें ताकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अटके ना। एक न्यूज़ आई है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इन्होंने इनकी एक रेटिंग रेटिंग की है, A+ से A- रेटिंग की है इनकी हैप्पीएस्ट माइंड की। कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी के बैलेंस शीट में अपन देखेंगे पहले रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास कितना है। तो 2018 में देख सकते 134 करोड़ माइनस में था, फिर 94 करोड़ माइनस में, फिर 216 करोड़ पॉजिटिव है 2020 में, और 2021 में देख सकते हैं आप 514 करोड़ का अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास। लॉन्ग टर्म का कर्जा देखिए तो 36 करोड़ के लगभग लॉन्ग टर्म का कर्जा है। शॉर्ट टर्म का कर्जा देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं 109 करोड़ का कर्जा है। यह कर्जा फ्लक्चुएट होता रहता है शॉर्ट टर्म का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं, कंपनी ने करंट इन्वेस्टमेंट भी किया है, देख सकते हैं 391 करोड़ का अच्छा खासा करंट इन्वेस्टमेंट भी किया है। कैश देखें तो कैश कंपनी के पास 145 करोड़ का कैश है, अच्छा खासा कैश है कंपनी के पास, मतलब कंपनी को आप नियर डेट फ्री भी बोल सकते हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू देखें 2017 में 340 करोड़ का रेवेन्यू था, 2018 में 443, 2019 में 590, 2020 में 698, और 2021 में देख सकते हैं 760 करोड़ का अच्छा खासा रेवेन्यू है। रेवेन्यू देख सकते ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट था 2017 में 4 करोड़, फिर 2018 में 13 करोड़ का लॉस था कंपनी को, 2019 में 4 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2020 में 73, 2021 में देख सकते 161 करोड़ का अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार है, तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास देख सकते हैं 53.25% उन्होंने शेयर्स अपने कंपनी के होल्ड किए हैं और एक भी शेयर्स प्लेज नहीं है। FIIs के पास देखें तो 6.23% तक उनके पास भी उन्होंने शेयर्स होल्ड किए हैं। DIIs के पास देखते हैं तो DIIs के पास 4.02% शेयर्स उन्होंने भी होल्ड किए हैं। पब्लिक के पास देखें तो उन्होंने 33.20% उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हैं। अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसी प्रकार की खराबी नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट भी 5 स्टार बैलेंस शीट है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 20,888 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 137 का है। बुक वैल्यू IT कंपनियों की हमेशा कम ही रहती है क्योंकि उनके असेट्स कम रहते हैं, 37 है बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड 0.21% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं 34.5% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 39.9% है। फेस वैल्यू 2 है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो देख सकते हैं 0.35 है। सेल्स ग्रोथ एवरेज 5 साल का 17.4 है। प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज 5 साल का 114% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का एवरेज 27.2 है, और EPS देख सकते हैं 10.1 का है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।